भाई आज दिखाऊंगा तुम्हें तबाही धान थ्रेशर। ये देखो अभी कितने भयंकर जलवे उठा रहा, तगड़े तरीके से काम कर रहा। पास जाके ही दिखाऊं भाई क्या मामला है इसका, कौन सी कंपनी का है, किस ट्रैक्टर पे चल रहा है और कितनी लेबर काम कर रही है इस पर, कैसी धान की साफ सफाई कर रहा, केड़े गर्दे काट रहा भैया केड़े वाले। ये जूम करके दिखाऊं, ये देखो भाई। ओहो नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और खास वीडियो के साथ। तो भी आज मैं पहुंचाऊं कस्बा जहांगीरपुर के अंदर, आज यहां से दिखाऊंगा आपको काफी शानदार धान थ्रेशर। भाई आजकल लेबर की बहुत अधिक समस्या है, तो उस वजह से ज्यादातर किसान भाई धान थ्रेशर खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, और भाई इसका जो काम है वो काफी बेहतर है। तो भी इसके बारे में आज बात करेंगे। सामने किसान साथी हैं, ये काफी समय से धान थ्रेशर चलाते आ रहे हैं और हाल फिलहाल में ये वाला थ्रेशर लेके आए हैं, तो भी इनसे मिलवाता हूँ अभी और इसके बारे में सभी जो बातें हैं वो करेंगे। नमस्कार जी। एक बार तो जी अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम है तौसीफ, गांव उस्मानपुर, जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, खुर्जा से। अच्छा जी, ये जो धान का थ्रेशर है कब से चलाते आ रहे हो? ये चला रहे हैं जी हम 13 से। 13 से? अच्छा, तो और भी थ्रेशर बदले होंगे? और भी बदले चलाए हमने अमर वालों की यहाँ तक। अच्छा, तो जी काम कैसा करे? काम इतना बढ़िया करे कि एक तो सिरदर्दी ना तो दाना फेंकेगी ना तोड़ेगी। हाँ। और गीला हो सूखा हो कैसे भी हो खेत में से काट के डाल दो। अच्छा, बरसाने की भी जरूरत ना। अच्छा, ऐसा सफाई का काम कर रही है। और लेबर की छुट्टी, मतलब लेबर की कोई सिरदर्दी, लेबर ना मिल रही है, लेबर बहुत महंगी है, कोई सिरदर्दी ना है, तो वो चीज खत्म खत्म। और किसान जो है, जो खेत मालिक है, वो भी टेंशन फ्री, मतलब उससे इससे संतुष्ट है। हाँ, थोड़ी देर में काम करो, काम करके अपने घर चला जाओ। अच्छा, इसमें एक चीज देखी गई है जी कि जैसा गीला माल आ जाए तो उसमें बड़ी समस्या करें ये मशीन? नहीं, तो नहीं, इसके नहीं, साथ तो ऐसा कुछ ना, 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 ना गलत। अच्छा? बताएंगे, हमारी तो बहुत अच्छा काम करे, ना गीले में कोई भी रुकावट, ना चल्ला रोक रही, ना ट्रैक्टर पे फर्क डाल रही, ना तो धमधम बोल रही। अच्छा, बिल्कुल जैसे सूखे चल रही ऐसे ही गीले पे चल रही। तो भी काफी हैकड़ मशीन है ये, अमर खुर्जा वालों की है जी। ये देख लो जी धान थ्रेशर, और काफी शानदार तरीके से इन्होंने डिजाइन करी है। ये इधर से ही दिखाऊं मैं, एक तो हिच देख लो, एडजस्टेबल बना के दिया, हर कोई ना बनाता इसे। ये देख लो, अपने ट्रैक्टर के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सको हो। यहाँ पे ये तीन फैन वेल्डों का सेक्शन है, ये देखो ये भी ओरिजिनल वाली लगा के दी है जिमपैक्स की, और डबल डबल फ्लाई व्हील है तगड़े वाले, एक इधर है एक पीछे है। और जो इसकी कोठी का साइज है वो 38-63 का दिया गया है। ये मुँह है जी इसका, यहाँ से ये मूठा लेती है। ये देखो जी, और चादर जो है मछली वाली हैवी बना के दी है इन्होंने। टोटल मशीन चैनल पर मिलेगी आपको, और 5 पंखों के साथ है। साफ सफाई भयंकर वाली करती है, तगड़े वाली। ये दिखाऊं, ये धान भी पड़े इनके, काफी साफ निकासी कर रखी है। ये देखो जी, और ये पुआल जो है काफी दूर फेंकती है। कुछ मशीनें क्या करे हैं कि नजदीक पुआल फेंक दें तो बार बार हटानी पड़े, मतलब। अच्छा, कितने बीघे का निकाल दे एक जगह? ये 5 बीघे का, एक जगह 5 बीघे का निकाल दे, तो ना दो 1.5 बीघा पे हटानी पड़े, मतलब खूब दूर फेंक दे। दूर फेंक रही है। अच्छा, आपके सामने है तक आराम से, मतलब अगर है ढेर तो निकाल के जाएगी, निकाल रही है। हाँ, और आपके सामने पड़ी है और देख लो, अब 5 बीघे खंदा और निकाल रही है। अच्छा, कुछ किसान भाई इस भ्रम में है जी के जी ये तो 5 पंखे वाली है, कहीं 6 की है, कहीं 7-8 की, तो वो पंखे दिखावटी है, काम भी करें? कोई काम ना, काम वो 5 वाला भी यही कर रहा, 6 वाला भी यही कर रहा। अच्छा, एक ही काम है, खामो खाम बस से सो बाजी है, मतलब इनके तो तकनीकी बढ़ रही है, तकनीक पे पैसा ही बढ़ रहा है। बस ये पैसे का ही हुआ भैया। हाँ। 2 पंखा बढ़ा के और पैसे बढ़ा दिए, लेकिन पैसे बढ़ रहे हैं तो सीधी 5 पंखे काफी है। सब इसी एंड हमारे सामने पड़ी है धान, क्योंकि आप तो काफी समय से मशीन चलाते आ रहे हैं, और देखो चारों माई को डाल ले, देखा ढेर ढेर निकले पड़े। अच्छा, ये आपने ही निकाले? हाँ जी। ये देखो भी, ये देखो कितने ढेर बने पड़े इधर से, देखो ये देखो, मतलब खेतों में ढेर ही ढेर बना दिए। काम खूब है जी इन पे इस मशीन के द्वारा, ये देख लो दिन रात निकासी चल रही है। अच्छा, जैसे रात में निकालो, उस रात में जाएगी जी ये यहाँ से 11-12 बजे। अच्छा, उस वो उसका तो कोई कोई चक्कर ना हो उसका। अच्छा, 9 सवेरे को आ जाएगी, 7 बजे घर से निकल जाएगी। हाँ, और रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी, 10 बजे भी, मतलब 10 बजे से पहले कोई घुसेगी ना। अच्छा, कोई बारह, मतलब काम खूब है, काम की कमी नहीं। जब धान किसान खूब बो रहे हैं तो काम भी खूब है। अब देख लो आपके सामने ही है, 3 दिन हो गए यहाँ चलते हुए। हाँ, देखो भाई 5 पंखे ऐसे हैं, देखो एक बड़े वाला पंखा, फिर ये पंखा आया, फिर ये वाला, फिर ये, और ये नीचे साफ सफाई का, इसमें 5 पंखे हो गए। कोठी का साइज वो काफी बढ़िया है, और ये देखो टोटल चैनल पे बनी हुई मशीन है। इधर से भी दिखाऊं, एक फ्लाई व्हील ये आ गया, ये देख लो जी हैवी ड्यूटी मशीन बिल्कुल। ये देखो इधर से भी दिखा दूंगा, ये देख लो, ये अमर वालों की। ये भी अमर वाले तो आप जानो ही होगा कितने स्पेशलिस्ट हैं।
इनकी जो कटर मशीन है या कुट्टा मशीन भी बना हुई, कुट्टा मशीन भी काफ़ी फेमस है इनकी। और तुम्हारे गेहूं वाले थ्रेशर हैं, सरसों पर जो थ्रेशर हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करे हैं इनके, तगड़े तरीके से भी डिजाइन करी हुई मशीन है और पेंट क्वालिटी बेहतर बना के दिए। अच्छा एक चीज़ और बताओ जी, कि जैसे आपके पास तो DI-60 है जी, किसी के पास कम HP का ट्रैक्टर है तो खींच सके इस मशीन को? मैसी 41 पे भी। अच्छा मतलब अगर 35 हॉर्स पावर के आसपास ट्रैक्टर खींच लेगा जी लोड तो ना? हाँ बिल्कुल खींचेगा, खींच लेगा, बिल्कुल खींचेगा। हाँ कोई किसान मानो ले के काम करना चाहे तो ले सके भाई, तुम्हारे पास 60 है तो 60 ही लगा दिया, 60-55 वो खड़ा, 60-55 वो भी। अच्छा तुम तो बड़े ही बड़े ले रहे हो, बड़े ट्रैक्टर खड़ा 55 ही। अच्छा हाँ देखो काम का हिसाब है, ये देखो जी अंदर मानो कुछ कभी ये सेक्शन यहाँ से दिया, खोल कर साफ सफाई कर लो कभी करनी है तो। और भाई ये बुल्टों पे एडजस्टिंग है मशीन, मानो कभी पेटी में कोई भी दिक्कत आई तो ये एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके आप मशीन को सेट कर सको, मानो दाने तोड़ने की दिक्कत आ जाए कुछ इसमें क्या भाई, पूरी मशीन खोलने की आवश्यकता ना, यहीं से आप काम कर सको। अच्छा जी एक और महत्वपूर्ण चीज बताओ कि इन मशीनों में सबसे ज्यादा समस्या जो आवे है दाना फेंकने की और तोड़ने की आवे है? ना जी हमारी में कोई शिकायत ना दाना फेंकने की ना तोड़ने की। अच्छा जी कोई शिकायत ना, मतलब आज तक कोई इसने कोई शिकायत ना, 13 से चला रहे हम इस मशीन को लिए हुए कितना समय हुआ? इस सीजन ही चल रही, इस सीजन में, इस सीजन में खरीदी, बेहतरीन चल रही है, जबी से चाहिए जबी से चल रही है, इस सीजन खरीदी और ना तो ये दाना फेंक रही है और ना ही तोड़ रही है, बेहतर है, मतलब बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। अच्छा तेल की बात करें, तेल भी बढ़िया ट्रैक जब दबी ना रहा तो तेल ही क्या खाएगा। एक खास चीज और पूछना चाहूँ जी, मशीन में बैरिंगों का बहुत बड़ा रोल हो क्योंकि ज्यादातर मशीन बैरिंग पे ही चले, तो इनके बैरिंगों में तो कोई दिक्कत ना? ना ना अभी। अच्छा? तो कोई दिक्कत है ना जी। हाँ। और ना हमारी पहली वाली में दिक्कत आई। अच्छा पहलियों में भी दिक्कत ना आई? कोई दिक्कत नहीं, बैरिंग बढ़िया चले, बढ़िया चले जी बैरिंग, ज्यादा डब डब किया ना, वैसी ना, आवाज तो ना करे मशीन, हल्की चद्दर तो ना लगा के दे रहे? अरे हल्की चद्दर आपके सामने मछली की चद्दर है भाई, मछली की चादर कोई अपनी मार्केट थोड़ी पीटेगा। हाँ बिल्कुल, और इनका तो भाई काफी बड़ा कारखाना, काफी बड़ा काम है, सीजन सीजन में कम से कम 200-400 मशीनों की सेल है भाई इनकी, और बाहर भी जा रहे हैं 200-400 मशीन तो यहीं से बेच रहे हैं, बंगाल नेपाल तक जा रही है। हाँ नेपाल तक जा रही, दूर दूर मशीन गई है अभी, हमारी भी खरीद सको, साथ गई दो मशीन भरतपुर, ऑल इंडिया डिलीवरी है भाई इनके यहाँ से, तगड़े वाली मशीन है। और धान के तो स्पेशल थ्रेशर बना रखा है इन्होंने, काफी दूर फेंक है इसकी, आप देख सको हो काफी दूर फेंक करे है। और जैसे ये पुआल बच जा तो इसका क्या हो जी? इसे कुट्टा कट जा, इसका कुट्टा कट जा, कुट्टा भाई ये कुट्टा मशीन भी बना में है, किसी को अमर वालों का कुट्टा चाहिए तो कुट्टा भी खरीद सके। एक दफे प्याल ये सही ना खाएंगी और इस कुट्टे अच्छा काम है। हाँ स्पेशल कुट्टा मशीन है हमारे यहाँ तो, व्यापारी उसमें भी आपको सादा गियर और 3-speed gear मिल जाएगा, हर तरीके के गियर के साथ कुट्टा मशीन मिला। अच्छा इसमें जो चल्ला है उनका क्या मामला हो जी? सिंगल ही चल्ला लगा के दें? ये सिंगल, ये बढ़िया साफ सफाई करता रहे, आपके सामने पड़ी है भाई, चल्ला भी बढ़िया काम कर रहा है। तो भाई एक बार चलती हुई और दिखाऊंगा कि काम कैसी कर रही है, चलाओ चलाओ, चलाओ। मूठा उठा कैसा ले रही? मूठा बहुत बेहतरीन ले रही है साहब, मूठा में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और काम भी बढ़िया कर रही है एकदम, मशीनों पे तो औरों पे भी काम करा होगा तुमने? बहुत उन पे काम कर रहे हैं, इनके साथ ही काम कर रहे हैं, हर साल ही इनके साथ ही लगे हैं, दोनों का तक वैसा काम कर रहे हैं, मन लगे है यहाँ पे, मन लगे जी इनकी मशीनों में, आज तक कोई शिकायत ही ना मिली। अच्छा कोई मूठा लगाने की, कोई दानों फेंकने की, घुस बनाने की, सब काम बेहतरीन करे, जबरदस्त काम करे, मूठा खूब ले। हाँ जी खूब बढ़िया, और आपके सामने अभी मूठा लगा के दिखाऊंगा मैं, चलती देख लो काम कैसी कर रही है मशीन, वाकई हटो बचो जबरदस्त जलवे मशीन है ये देख लो भाई। और फेंक भी दिखाऊंगा क्योंकि कुछ मशीनों की फेंक बहुत नजदीक हो गए, फेंक बहुत जबरदस्त है इस मशीन की, एक ही जगह खड़े खड़े भाई आपके 7-8 बीघे का लाख निकाल सके, ये देखो जी कितनी लंबी फेंक है, और ये लग लिया मूठा, ये देख लो, ओहो हो मूठा देने वाले भी तक जा, समझे जी इतना मूठा ले ले, ये देखो सूतम सांत है, ओहो हो ये देखो भाई रखो और अंदर, और मशीन में देख लो भी किसी भी तरीके की कोई आवाज हो तो बताओ, और कितनी दूर फेंक कर रही है ये देखो भाई, वाकई जलवे काट दिए जी इसने, खतरनाक मशीन है कौन तेरी, ये देखो तो कोरिया कोरिया ले जाता है भाई साहब, कोरिया कोरिया ले रही है, थोड़ी देर में बीच सा साफ कर दे,
ये देखो, ओहो हो, और ट्रैक्टर भी बिल्कुल लोड फ्री। ये देखो कितनी जबरदस्त तरीके से चल रही है, और इसकी मैं निकासी भी दिखाऊंगा मैं इधर से कैसी निकासी कर रही है। ये देखो भाई, थोड़ी सी देर में परात को फुल कर दे, ये देख लो, घंटे में काफी जबरदस्त निकासी करे, और फेंक का भी जबरदस्त है। इसकी जो पुआल हो, पुआल भी आपका खराब ना जाने वाला, इसकी कुट्टी कट जा। ये देख लो कितनी बेहतरीन मशीन काम कर रही है, आपको थोड़ी भी वाइब्रेशन फील ना होने वाली। देखो जम का चलने वाली मशीन है, ये देखो बिल्कुल नजदीक से दिखाऊं कितनी जम का काम कर रही है जबरदस्त तरीके से। और ट्रैक्टर भी ज्यादा आरपीएम पे ना चलाना पड़े, लो आरपीएम पे ट्रैक्टर इस पर काम करता रहे। निकट भयंकर मशीन है भाई, ऐसी मशीनें कभी कभी देखने को मिले हैं। ये देखो भाई, धान के काम पर जबरदस्त काम करने वाली मशीन है जी अमर वालों की। तो भाई जिस भाई को संपर्क करना हो, नंबरों पर संपर्क कर लियो, काफी शानदार मशीन लगी। बाकी वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे भाई और किसान भाइयों को भी मदद मिले इस मशीन के बारे में जानने की। धन्यवाद।